प्यारे विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ बोर्ड का असाइनमेंट जारी कर दिया गया है अगस्त माह का 2021-22। असाइनमेंट एक है कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का। टोटल असाइनमेंट 20 नंबर का पूछा गया। तो चलिए देख लेते हैं कितने प्रश्न आज असाइनमेंट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 5 प्रश्न पूरे पूछे गए। आज मैं इन्हीं 5 प्रश्नों का आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है आप लोगों से, रीना ने अपने घर में जन्मदिन की पार्टी रखी जिसमें उसकी 3-4 सहेलियां भी आई, किंतु उनमें से सीमा के कपड़े पर भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी गिर गई। घर जाकर उसने उस स्थान पर सर्फ लगाया तो कपड़ा लाल क्यों हो गया? तो इसका आंसर नोट करेंगे, सब्जी में हल्दी थी। हल्दी प्राकृतिक सूचक है जो कि अम्ल के साथ गाढ़ा पीला रंग देता है, वह क्षार के साथ लाल रंग देता है। क्षारी पदार्थ के संपर्क में आने की वजह से जो कपड़ा है वो लाल हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न नोट करेंगे, प्रबल अम्ल, 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखिए, साथ में उनका सूत्र भी बताइए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, 2 प्रबल अम्ल अमोनियम नाइट्रेट है HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, 2 प्रबल क्षार की बात कर ले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4.OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नोट करेंगे, अगला प्रश्न नोट करिएगा सभी लोग, कारण बताइए दांतों के क्षय व सड़न होने के क्या कारण है, इसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, धान के उत्पादन में अनुकूलन मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 के मध्य क्यों होना चाहिए? तो इसका आंसर पहले हम नोट करेंगे बावाले आंसर का, धान के उत्पादन के लिए मिट्टी अनुकूल होती है जिसका पीएच मान 5 से 8 होना चाहिए। मिट्टी का पीएच स्तर से ज्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद दी जाती ताकि उनका जो पीएच मान है वो निरंतर बराबर बना रहे। पहले वाले प्रश्न का आंसर नोट करेंगे, दांतों में जो क्षय होने का कारण, उसमें 2 जीवाणुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, स्ट्रेप्टोकाकस और लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। इन्हीं दोनों जीवाणुओं की वजह से जो दांत क्षय होता है या फिर दांत जो सड़ने लगते हैं उनके पीछे का रीजन यही है। इनके इलाज के लिए हम लोग जो तो हरी सब्जियों का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा दांतों की सफाई रखें, यही उपाय के 2 कारण है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, 37 डिग्री ताप को फारेनहाइट में बदलिए। तो इसका आंसर नोट करेंगे, फारेनहाइट में बदलने का जो फार्मूला होता है F-32/180, C=100। ठीक है, दिया है C=37 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर फार्मूले में मान रखेंगे F-32/180, 37/100। ठीक है, ये देख सकते हैं F-32=0.37×180 हो जाएगा और F-32=66.6 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, F-32=66.6, F=66.6+32 करोगे और राइट आंसर आ जाएगा F=98.6 आपका। 8400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट और क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधे व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नेट का 8400 400 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE NEET, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फारेनहाइट में आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न नोट करें जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, नदी के किनारे की रेत के समय यानी रात के समय जो तो गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता है, क्यों? इसका चित्र बनाइए या चित्र बताइए। ठीक है, इसका आंसर नोट करेंगे। सबसे पहले नदी की तट की जो रेतें होती है दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाती है जिसके कारण रात के जो होती है रेत जो होती है रेत के ऊपर हवा भी गर्म होकर के ऊपर उठती है और नदी में आने वाली ठंडी हो जाती है, जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म हवा ऊपर उठ जाती है जिसका समय रात के समय जो रेत के ऊपर रहते हैं वो शीतल हवा चलती है। इस प्रकार से चक्र इनका चलता रहता है। ठीक है, इसका आंसर आप इस तरह से चित्र बनाकर के समझ ले सकते हैं, ये सूर्य है, सूर्य के समय में क्या होता है जब रेत में हवाएं चलती तो रेत क्या होती है ऊष्मा को अवशोषित करके रखती है, जैसे रात का समय होगा तो जो रेत है वो ऊष्मा का जो तो आपस में क्या होगी ऊष्मा बाहर निकलने लगेगी। इस तरह से जो नदी का जो तट होगा वो ठंडा होगा, जो बर्फ यानी रेत होगी वो गर्म होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 5वां नंबर, समृद्ध अंग के लक्षण किसे कहते हैं, अवनाशोर के विलुप्त होने का क्या कारण है, यानी डायनासोर के जो विलुप्त होने का क्या कारण है, आंसर लोड करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, जीवों के
उन अंगों या संरचनाओं को या रचना जो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं व कार्य भी समानता प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? समवृत्त अंग कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीवों के उन अंगों या संरचनाओं को जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं समवृत्त अंग कहलाते हैं। इस प्रकार की समानता समवृत्तता कहलाती है। तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख समवृत्ति प्रदर्शित करते हैं आपस में। आगे आंसर आप लोग नोट करेंगे, इनमें रचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तितली के पंख काइटिन, पक्षियों के पंख अग्रपाद पर लगने से तथा चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो अंगुलियों के बीच की लट से बने होते हैं। ये अंग इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इनकी उपस्थिति को दर्शाने वाले जैव विकास की दृष्टि से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, जो आंसर था उसका आंसर नोट करेंगे, डायनासोर की विलुप्ति का कारण समय के साथ अनुकूलित नहीं होना था। इस तरह से आज का आपका जो असाइनमेंट दिया गया था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट helpexam.in पर जरूर विजिट करें, वहां से आपको सारे सब्जेक्टों के सभी क्लास के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।